अस्सलामुअलैकुम। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को आज के दौर में एक कहानी से जोड़ा जाता है, जो कहानी है रानी पद्मावती की। उस कहानी के जरिए सबको यह बताने की कोशिश की जाती है कि अलाउद्दीन खिलजी एक अय्याश किस्म के इंसान थे। वो एक ऐसी रानी के इश्क में मुब्तला हो गए थे जो पहले से ही शादीशुदा थी, और अलाउद्दीन खिलजी उस रानी से इश्क होने की वजह से ही चित्तौड़ की रियासत पर हमला करते हैं। ये कहानी पूरी तरह से झूठी है। इस कहानी का झूठी होने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि रानी पद्मावती की कहानी अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर हमला करने के 237 साल बाद लिखी गई थी, और इस कहानी को लिखने वाला था मलिक मोहम्मद जायजी। ये एक शायर था और अपने शौक या शायरी किया करता था। इसने रानी पद्मावती की कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए लिखी थी। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर कब्जा करने के 237 साल बाद रानी पद्मावती की कहानी लिखी गई थी। बीच के जो बचे हुए 237 साल हैं, इसमें बहुत से इतिहासकार गुजरे हैं, लेकिन किसी ने भी रानी पद्मावती की कहानी का जिक्र नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी के महल में ही एक इतिहासकार रहे हैं जिनका नाम है अमीर खुसरू। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की पूरी हिस्ट्री बयान की है। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की कमियों का भी जिक्र किया है, अलाउद्दीन खिलजी के अच्छाइयों का भी जिक्र किया है। उन्होंने भी रानी पद्मावती की कहानी का कोई जिक्र नहीं किया। अगर इस कहानी में ज़रा बराबर भी सच्चाई होती तो बीच के जो 237 साल हैं, इसमें कोई ना कोई इतिहासकार इस कहानी का जिक्र ज़रूर करता। रानी पद्मावती की कहानी पूरी तरह से झूठी है। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई थी। अलाउद्दीन खिलजी तो वो सुल्तान है जिन्होंने मंगोलों से हिंदुस्तान की हिफाजत की, वरना मंगोल हिंदुस्तान में तबाही मचा देते। वो तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे जिन्होंने मंगोलों को बार बार शिकस्त दी और हिंदुस्तान की हिफाजत की। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।